আসসালামু আলাইকুম, শারিয়ত ডে আউটে সবাইকে স্বাগতম। করোনার কারণে বাইরে তো যাওয়া হচ্ছেই না, আর কোনো টুরিস্ট প্লেসে যাওয়া তো দূরের কথা। লাস্ট 2018 সালে কলকাতায় গেছিলাম, সেখানে সায়েন্স সিটিতে ঘুরতে গেছিলাম। সেখানে হিউম্যান এভলিউশন, তারপর ডার্ক রাইড, 3D সিনেমা সহ আরও অনেক কিছু ছিল। তার মধ্যে আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল ডার্ক রাইড। ডার্ক রাইডটা মূলত ডাইনোসরের আমল থেকে শুরু করে বর্তমান প্রাণী জগতের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত যে এভলিউশনটা হয়েছে প্রাণী জগতের, এইটাই রাইডের মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে। বিভিন্ন ডাইনোসরের মূর্তি বানায় রাখা হয়েছে, সেগুলোকে যন্ত্রের সাহায্যে চালনা করা হচ্ছে, আর সাউন্ড স্পিকারে কীভাবে আবর্তন হলো ডাইনোসর, কীভাবে বর্তমান প্রাণী জগতে আসলো, কীভাবে একটু একটু করে বিবর্তন হতে হতে বর্তমান প্রাণী জগতে আসলো ডাইনোসর, সেই জিনিসটা বোঝায় বলা হচ্ছে এবং দেখানোও হচ্ছে সেটা। সম্পূর্ণ অন্ধকার একটা টানেলে আদিভৌতিক আলো তৈরি করে রাখা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন ডাইনোসর নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, অন্যান্য প্রাণীর মূর্তি আছে, ডাইনোসররা মনে হচ্ছে হা করে খেতে আসছে। এই যে ফিলিংসগুলো অনেক ইন্টারেস্টিং ছিল। जितने भारी थे, कुछ चार पैरों से चलते थे, तो सियालोफाइसिस दो पैर वाले डायनासोर थे। ब्रेकियोसॉरस की लंबाई तो प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी, और इनका वजन 75 टन था। सरसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। আমি ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলছিলাম আর আমার ওয়াইফ ভিডিও করছিল মোবাইলে। সো ভিডিওতে মাঝে মাঝে আমি এসে যাচ্ছি ডাইনোসরদের সাথে। প্রথম পক্ষী আর্কিওপটেরক্স কা উদয় হুয়া। शिकारी और शिकार के बीच का संघर्ष जारी रहा जुरासिक युग में, और विकसित हुए उन्नत सरीसृप जैसे कि टिजियानोसॉरस, स्टेगोसॉरस, सलाइनोसॉरस, कॉम्सोमेरिस आदि ज्वालामुखी और विस्फोट इस युग की खास पहचान है। अगले 10 करोड़ वर्षों तक यानी जुरासिक के अंतिम चरण से क्रेटेशियस युग का प्रथम चरण तक डायनासोर के लिए स्वर्णिम युग रहा। 14 में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पेंशिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशी प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी। इसके आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित हुई। स्पाइनोसॉरस की पीठ पर मोगल के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टीरोनोरम
उड़ने एवं फिसलने के माहिर थे। सामान्य विचित्र लगे और अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटॉप्स कोबरा नाम के दो प्रखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण से रॉकीज एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखने लगी थी एवं जंगल कम होने लगे थे। एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास स्वतंत्र रूप से शुरू हुआ। सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ। वे तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। इनके हमले से बचने के लिए शाकाहारी एंकिलोसॉरस अपनी पूंछ के लुटकर का इस्तेमाल करते थे। सभी डायनासोर प्राय 6.5 करोड़ वर्ष पहले ही विलुप्त हो चुके थे। आखिर क्यों? एक अनुमान के अनुसार एक बहुत बड़ी ग्रह का पृथ्वी से जा टकराई, जिसके फलस्वरूप उत्पन्न धूल के विशाल मेघ ने हजारों वर्षों तक सूरज की किरणों को धरती पर पहुंचने से रोक दिया था। फलस्वरूप विशाल का डायनासोर को पर्याप्त आहार नहीं मिला और वे भूख के कारण मारे गए। आधिपत्य शुरू हुआ। पर्याप्त मात्रा में आहार उपलब्ध होने के कारण छोटे छोटे स्तनपायी प्राणी बड़े आकार में बदलते गए। इसी समय बड़े बड़े शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आने लगे। विश्व के कई हिस्से जंगल से हरे भरे हो गए। खोखले अस्थियों वाले आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। जैसे अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी थी। আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক কমেন্ট করবেন, আর পারলে শেয়ারও করে দেবেন। যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল, আর সাবস্ক্রিপশনের পাশে যে বেল বাটনটা আছে সেটা ক্লিক করে দেবেন, যাতে আমার নতুন কোনো ভিডিও আসলে সাথে সাথে আপনি নোটিফাই হতে পারেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। এখন এখন পজ করো।